जा रहा है और क्या रोष है? ये जो आयोजन आज किया जा रहा है, ये पीएसीएल चिटफंड कंपनी के सारे लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारा पेमेंट जो लेट हो रहा है वो जल्दी से जल्दी लोटा कमेटी करे, जिससे हम सारे लोग फ्री हों। ये आयोजन आज यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ को देखा जा रहा है, तो सैकड़ों की भीड़ का कारण क्या है? क्या सरकार द्वारा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी या क्या मैटर है ये पूरा? कंपनी सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड थी, कंपनी ने 35 साल काम किया है, कंपनी को जबरदस्ती सरकार ने चिटफंड मान करके बंद कर दिया था, जो 2014 में कर दिया था। 2014 से आज तक ये सारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी 2016 को आ चुका है, मगर अभी तक केवल 5000 तक का ही भुगतान सेबी के द्वारा और लोटा कमेटी के द्वारा किया गया है। अगर इसी तरह से इन्होंने पेमेंट किया तो कम से कम पेमेंट मिलने में 10 साल लगेंगे। ये लोग चाहते हैं कि जो धीमी गति से ये लोग काम कर रहे हैं उसको बहुत तेजी से किया जाए, और ये लोग सब सुप्रीम कोर्ट को तक अपनी आवाज उठा रहे हैं, और 9 तारीख को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में डेट है उस डेट पर सभी लोग वहाँ तैयार हैं जाने के लिए, और कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी पीड़ा रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप जो है इस पेमेंट में देरी क्यों कर रहे हो। भारतीय लोक सेवा दल इस चिटफंड के मुद्दे को आगे लेकर बढ़ रहा है, क्या आगे की तैयारी है, क्या आगे की रणनीति रहेगी? भारतीय लोक सेवा दल ने अल्टीमेटम दे दिया है सेबी को, लोटा कमेटी को, सीबीआई को और जो है ईडी को, कि अगर आपने इन पीड़ित लोगों का पेमेंट जल्दी से नहीं किया तो हम इस आंदोलन को इतना तेज और करेंगे कि आपको इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, फिर आप हमसे नहीं कहेंगे कि सरकार को क्या क्षति हो गई।